प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस उत्साह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊं। आप लोग इसी तरीके से अगर मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो समय एक समय आएगा खुद आप कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुक्र ग्रह एक राजा ग्रह है, एक आराम तलब का ग्रह है, अच्छा धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा देता है और शौक से खर्च करवाता है। अगर शुक्र कुंडली के प्रत्येक लग्न में, मैं मीन लग्न से लेकर और मैं मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के बारे में बता रहा हूँ, क्या लाभ देता है, क्या प्रभाव देता है। जिसकी कुंडली मेष लग्न की है, लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग आलसी होते हैं, आराम तलब होते हैं, सुंदर भोजन वस्त्र आवास के शौकीन होते हैं। जिसकी कुंडली वृषभ लग्न की है, उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ये अक्षमातिक धन पाते हैं, गुप्त धन पाते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं। जिसकी मिथुन लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र अगर बैठा हुआ है लग्न में, ऐसे लोग माता पिता से करोड़ों रुपए की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी गरीब नहीं होते, कभी कर्जदार नहीं होते। जिसकी कुंडली कर्क लग्न की है, उसमें शुक्र अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग ऐसो आराम का जीवन जीते हैं, सुंदर भोजन सुंदर वस्त्र सुंदर आवास वाहन के शौकीन होते हैं, राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिसकी कुंडली सिंह लग्न की है, उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग शिक्षा के प्रति रुझान कम होती है, ऐसे लोग व्यापारी होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, अपने उद्योग व्यापार से धन कमाते हैं। जिसकी कुंडली कन्या लग्न की है, उसमें अगर शुक्र है, जैसा कि अब मालूम है कि कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, ऐसे लोग नशा पानी करते हैं, चैत्यहीन होते हैं, बिना वजह विवादों में रहते हैं। जिसकी तुला लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वतंत्र शादी करते हैं, लव मैरिज शादी करते हैं, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, महिला हो या पुरुष हो, ये अपने इच्छा अनुसार शादी करते हैं। जिसकी वृश्चिक लग्न है, उसमें शुक्र अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारण ये कभी जीवन में दिमागी शांति इनको नहीं मिलती है। जिसका धनु लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग नौकरी में पदोन्नति नहीं करते हैं, व्यापार में घाटा खा जाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा कर्जे के कारण इनका धूमिल होता है, इच्छा अनुसार कभी उन्नति नहीं हो पाती। जिसका मकर लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, ऐसे लोग केमिकल संबंधी, धातु संबंधी, ट्रेडिंग संबंधी, रियल इस्टेट संबंधी व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है। जिसकी कुंभ लग्न की कुंडली है, उसमें अगर शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसकी मीन लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र बैठा है, जैसा आपको मालूम है मीन लग्न में शुक्र उच्च का हो जाता है, ऐसे लोग सामाजिक सुख सांसारिक सुख पारिवारिक सुख संतान सुख इनके जीवन में पूर्ण प्राप्त होता है, कभी भी इन ये गरीब नहीं होते, कभी भी भंगा नहीं होते हैं, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया आप लोग के सहयोग के लिए। मेरे प्रत्येक वीडियो में आप फोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है,
फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर किसी मित्रगण को अपनी कुंडली मेरे द्वारा विश्लेषण कराना है तो मेरे फोन पर संपर्क करिए। उसके लिए कुछ आर्थिक सहयोग देना होगा, देंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। इतना कहते वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।